नमस्कार, मैं विनीश कुमार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अवतार सिंह बडाना, जिनकी ये रूपरेखा जो रणनीति बना रहे हैं या जो मैदान में क्या करना चाहिए और कैसे जीत हासिल हो सकती है, ये पूरी रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं अवतार सिंह बडाना के दोनों बेटे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, एकता बडाना और अर्जुन बडाना, यही रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि शहर में क्या होना चाहिए और कैसे मुद्दे होने चाहिए, जो आज के शहर जो जनता की पकड़ जो बना रहे हैं या जनता के बीच में जाके जनता कांग्रेस की बातों को रख रहे हैं। आज हम दोनों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि जनता की नब्ज क्या है या वो क्या सोचते हैं कि अवतार सिंह बडाना का वजूद कितना है या सक्सेस होगा। एकता जी, सबसे पहले आपको सिटी न्यूज 100 पर आपका स्वागत है। आपने मतलब जो आपको लग रहा है कि जितना यहाँ पर कद्दावर नेता बैठे हैं, उन कद्दावर नेताओं के बीच में आप अपने फादर की जो यहाँ फैदावत में जो देखते हैं जज्बा या फिर आप फैदावत में देखते हैं वो कंडीशन या टक्कर कितना दे पाएंगे? कद्दावर नेता हम तो अपने पापा के अलावा किसी को देखते नहीं ना, इसलिए क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए कि 1951 तक उन्होंने जितने भी काम किए हैं और 2009 से 2014 से जितने भी काम किए उसी के पीछे काट रहे हैं कद्दावर नेता। चाहे आप बदरपुर फ्लाईओवर ले लो, मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए मेट्रो, सारे फीते जो कट रहे हैं वो काम हुए 2009-2014। आपकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन इस उम्र में आप भी राजनीति में आ रहे हैं। हम राजनीति में नहीं आ रहे, हम राजनीतिक घराने से हैं, हम राजनीति समझते हैं और अपने पिता के वोटर सपोर्ट हैं। सुना था क्या कहते हैं कि आपकी माता जी हैं वो भी चुनाव प्रचार को हैंडल कर रही हैं कि क्या कूटनीति बनाई जानी चाहिए या कैसा मतलब चुनाव प्रचार होगा वो सभी वो देख रहे हैं। शुरू से पापा के दाएं हाथ की तरह रही हैं, शुरू से उन्होंने काम संभाला है और वो इस क्षेत्र में काम करते हैं। अर्जुन जी, अभी दरअसल आप क्या देखते हो, अभी फिलहाल में पलवल में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं किशनपाल, उन्होंने आपके फादर को अनपढ़ कहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, पहले तो जो लोग अवतार सिंह बडाना को अनपढ़ बोलते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि उन्होंने 30 साल सेवा की पढ़ाई की है, इस राजनीति की, इस फरीदाबाद की पढ़ाई की है, इन लोगों के लिए वो पढ़ाई की है, वो काम किए हैं जो अच्छे अच्छे ग्रेजुएट और मास्टर वाले लोग भी नहीं कर पाए। जहाँ तक उन लोगों की बात है जिस पार्टी के लोग ये बातें बोलते हैं, वो अपने पार्टी के बड़े बड़े लोगों से पूछ लें, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, उनकी डिग्रियाँ भी खोल लें, सभी की खुलेंगी तो सभी की डिग्री खोल लेते हैं, सबकी खोल के देख लेंगे। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है पर सबसे ज़्यादा राजनीति में साफ मन और नीयत ज़रूरी है। अगर इस फरीदाबाद को बढ़ाना है तो साफ नीयत का साफ नेता चाहिए, वो सिर्फ अवकाश में बढ़ाना नहीं, तजुर्बा भी कई बार काम आता है। तजुर्बा 30 साल का तजुर्बा है, वो जानते हैं काम कैसे होगा, कहाँ किया जा सकता है, कौन से तरीके से वो किशनपाल जी आज तक नहीं समझता है। एक आप एक बात समझिएगा, आप एक मुझे प्रोजेक्ट बताइए जो इन्होंने 2014 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराया इस फरीदाबाद, एक प्रोजेक्ट अगर ये बता देंगे तो हम यहीं बैठे माफ़ी मांगेंगे। अच्छा, दरअसल एक और चीज़ पूछूं, जब यहाँ टिकट की मदद मारी गई थी, जब इतना को टिकट मिली थी, अवतार सिंह बडाना टिकट थी उस रेस में थे, तो आपके घर का माहौल क्या था उस दौरान? घर का माहौल, राजनीतिक हंसते हैं तो हमेशा थोड़ा टेंस रहता है, पर हमें विश्वास था कि जो उनका मेरिट है वो सामने आएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि इस राजनीतिक माहौल में या इस भीड़ भाड़ में बडाना साहब आप सबको बैंक दे पाते हैं? देखिए, नेता के बच्चे होने के नाते हमें प्यार उनका बेहद मिलता है, वक्त के लिए हम ना हमें कभी गिला हुई ना शिकवा हुआ। जिस आदमी ने करोड़ों लोगों के लिए काम किया हो, एक कौम को पहचान दे दी हो, उस आदमी के लिए अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ अपना वक्त अपने दो बच्चों को दे तो गलत है, वो सबके लिए है और सबके लिए रहे। कभी लगता है कि आपको मैं एक पारिवारिक बात कर रहा हूँ कि जब टाइम नहीं हो पाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप सबको घूमने का मन होता है, होता है, तो ऐसा क्या लग रहा है कई बार देखा है कि आपने अभिलाष मूवी कब देखी होगी अवतार सिंह बडाना से? कम से कम 15-20 साल, वो भी घर पे
फैमिली डिनर नहीं हुआ है और फैमिली लंच क्या होता है हमने सुना भी नहीं है, ये हमारे लिए नई चीज है। हमारे लिए नॉर्मल ये रहा है, हम सुबह मिलते हैं, 7 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं राजनीति की भी, काम की भी, और अपने हमेशा बात रखने की हमें इजाज़त दी जाती है। चाहे अर्जुन भैया, मैं थोड़े उनसे उम्र में कम होने के कारण हमारी शायद उनसे कई बातों में मिलती ना हो, नहीं बात से तो बेटी हमेशा छोटी है। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं समझे आप, हम जनरेशन गैप की वजह से, जनरेशन गैप की वजह से शायद हमारी सोच ना मिली हो, चाहे हम हमेशा गलत रहे पर हमें अपनी बात कहने की पूरी छूट मिली, चाहे मैं बेटी हूँ, और खैर बेटे से तो प्यार होता ही। लाडला कौन है और जब कुछ गलत होता है तो अपनी जनता पे जाके गलत बात के लिए लोगों से डांट भी लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लेट आओ या आप नहीं आ रहे हो तो पता चला डांट पड़ रही हो, ज्यादा किसको डांट पड़ती है? आज तक हमारे पिता ने अपनी आवाज ऊंची नहीं की, हम पिटे बहुत है पर अपने माता जी से। और आप सेम अच्छा, मतलब जो घर में जो कड़क है वो ममता बढ़ाना जी है, अपराध बढ़ाना नहीं है, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज काम बांट लेते हैं लोग, मतलब पिटाई वाला जो काम है वो मम्मी के पास है और जो पॉलिटिक्स वाला काम है पापा के पास है, यही कुछ समझ लीजिए आप। अच्छा दूसरा है कि आपने पढ़ाई भी बाहर से की, बाहर से बाहर जाकर पढ़ाई की है, वहाँ से आपको क्या लगता है कि कुछ राजनीति में क्या फर्क देखने को मिल रहा है यहाँ की? देखिए मैंने पढ़ाई यहाँ भी की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी प्रोग्राम कॉलेज से और बाहर के सिम्स कॉलेज से, दोनों में राजनीति में सिर्फ एक फर्क, लोगों का बात करने का लहजा। पॉलिटिक्स हर जगह एक जैसी है पर यहाँ कई बार लोग बात करने में इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर देते हैं कि उनका जवाब देने का भी कोई सेंस नहीं बनता। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स अराउंड द वर्ल्ड इज एग्जैक्टली द सेम। मेरा एक आखिरी सवाल है कि अगर आपके फादर जीत जाते हैं तो आप सब मिलकर या आप क्या सोचते हो कि फादर को शहर के लिए सबसे पहला स्टेप आप युवा है क्या होना चाहिए? सर इस शहर का सबसे पहला स्टेप होगा जो माइनिंग माफिया यहाँ पैदा किया गया है, जो लैंड माफिया यहाँ पैदा किया है, जो दहशत यहाँ के लोगों में पैदा की है वो हटाना है, जो विकास के काम 2014 के बाद एक नया प्रोजेक्ट नहीं आया उन प्रोजेक्टों को इस फरीदाबाद को लाना है और इस फरीदाबाद को NCR में गुड़गांव और नोएडा के बराबर ला के खड़ा करना है, यही अवतार सिंह बढ़ाना का सपना 20 साल पहले था और यही सपना है। आप क्या सोचते हैं महिलाओं की सुरक्षा को क्या होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि शर्मा जो हालत पिछले 4.5 साल में फरीदाबाद में हुई है, आत्मा खोल जाती है सुन के, देख के, पढ़ के, और मैं यही चाहती हूँ कि ये बदलाव आए और ये बदलाव अवकाश में भरा नहीं चाहता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे अवतार सिंह भड़ाना के बच्चे, जिन्होंने कहना है कि वे चाहते हैं कि फरीदाबाद में एक ऐसा बदलाव आए जहां महिला सुरक्षित हो, विकास की राह आगे बढ़े। इन्हीं सब बातों को लेकर चाहे पॉलिटिक्स में जो सोच है लोगों की बदले, लोगों के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं किसी के लिए सम्मानजनक हो, इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने आज हमारे सामने बात रखी। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।